अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ YouTube पे जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसका थंबनेल कवर किस तरह बनाएं। अगर आपके पास पिक्सेल लैब नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कीजिए। पहले पिक्सेल लैब ऐप ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करें, यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करें, कस्टम पर क्लिक करें, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो स्क्वायर आइकन को क्लिक करें, उसमें कलर लिखा हुआ होगा उसको क्लिक करें, यहाँ से चूज़ करें कलर कोई भी और टिक के ऑप्शन को क्लिक करें। इसके बाद नीचे थर्ड ऑप्शन सर्कल वाला आइकन उसको क्लिक करें, उसके बाद शेप्स पर क्लिक करें, स्क्वायर को बड़ा करके राइट साइड पर लेकर जाना है और टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद राइट साइड पर स्वाइप करें और इरेजर वाला आइकन नज़र आएगा उसको आप क्लिक करें, सेकंड ऑप्शन को क्लिक करें और जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप करते जाएं। सेकंड लाइन में फोर्थ आइकन उसको क्लिक करें, फिर टिक पर क्लिक कर दें। यहां पर वाइट शेप वाला जो स्क्वायर हमने बनाया था वो लेफ्ट पर ले जाएं। के बाद दोबारा हम एक और शेप लेंगे जिसमें हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये शेप हमें इस तरह बना के और टिक को क्लिक कर देना है और इस शेप को राइट साइड पर लेकर जाना है और थोड़ा सा शेप को टेढ़ा कर देना है। उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, कलर वाला आइकन ढूंढें और उसको क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर बटन है उसको ऑन करें और यहाँ पर कलर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कलर जो बैकग्राउंड दिया हुआ है उसी जैसा आप बनाएं। यहाँ पर टेक्स्ट वाला स्क्वायर हमें नीचे वाले से मैच करना है तो ऊपर 2 स्क्वायर बने हुए हैं उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर वाला जो है नीचे करेंगे तो वो देखें आप ये मैच हो गया। यहाँ पर छोड़ देना है, 2 स्क्वायर को क्लिक करें और ये पैनल गायब हो जाएगा। उसके बाद हमें ए को क्लिक करना है टेक्स्ट ऐड करने के लिए, ए को क्लिक करेंगे टेक्स्ट आएगा उसको एडिट करें। यहाँ पर आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर थंबनेल कवर पर नज़र आए वो यहाँ पर लिखें। उसके बाद टेक्स्ट वाला जो शेप हमने बनाया है उसको आप सेट करें और टेक्स्ट को उस शेप में अंदर रखें। और आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर को क्लिक कीजिए और ग्रेडियंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जितने वर्ड को आप जैसा भी कलर देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। कलर देने के बाद अब आखिरी ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ऊपर उसको क्लिक करेंगे और एक PNG फाइल या तस्वीर डाउनलोड करेंगे। अगर आपको PNG फाइल नहीं मिल रही तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमें PNG फाइल सेलेक्ट किया, यहाँ पर वो आ गया, इसको क्रॉप करना है जितना कर लें और हमने फाइल को सेट कर दिया। ऊपर हम सेव के बटन को क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज को क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे, वेरी हाई पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे और ये देखें थंबनेल कवर सेव हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरा YouTube वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।